नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने निकाली रिक्तियां। बिहार के बाहर इन राज्यों में रहने वाले बिहारियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। बिहार में जल स्रोतों की गुणवत्ता का बढ़ेगा जांच का दायरा। बिहार को मोदी सरकार ने दिया बड़ा गिफ्ट। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने नए कप्तान का किया ऐलान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने निकाली रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के कुल मिलाकर 107 पद पर आवेदन की मांग की है, जिसमें यूआर के 43, ईडब्ल्यूएस के 11, एससी के 17, एसटी के 1, ईबीसी के 19, बीसी के 13, बीसी महिला के 3 पद पर आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास रिमोट सेंसिंग और जीआईएस शहरी और क्षेत्रीय अध्ययन में विशेषज्ञता में बैचलर्स ऑफ प्लानिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स प्लानिंग में मास्टर्स, टाउन प्लानिंग में मास्टर्स, रीजनल प्लानिंग में मास्टर, अर्बन प्लानिंग में मास्टर डिग्री, सिटी प्लानिंग में मास्टर डिग्री, देश नियोजन में मास्टर या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। होली से पहले घोषित हो सकता है 12वीं का परिणाम। बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर की परीक्षा का समय पर आयोजन तो करवाया ही गया था, अब साथ ही परीक्षा परिणाम को समय पर जारी करने की तैयारी हो रही है। उम्मीद भी यही है कि होली से पहले रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से बोर्ड सूत्रों की माने तो मूल्यांकन कार्य हो चुका है, अब रिजल्ट घोषित होना बाकी है। अगर सब कुछ सही रहा तो बिहार बोर्ड की तरफ से 17 मार्च को नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में होली के पूर्व राज्य के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। वैसे बोर्ड ने इस संबंध में फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नंदकिशोर नवल की। नंदकिशोर नवल हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना संपन्न शीर्षार्थ आलोचकों में से एक थे। इसी रूप में वो काफी ज्यादा मान्य भी थे। उनके अध्ययन और लेखन का क्षेत्र व्यापक रहा है। निराला और मुक्ति बोध उनके अध्ययन के केंद्र में रहे हैं और इन दोनों पर उनका लेखन मानक महत्व रखने वाला सिद्ध हुआ है। अपने समकालीन लेखन में नए से नए कवियों पर भी लिखने वाले नवल जी ने तुलसीदास और सूरदास से लेकर रीति काव्य तक पर कलम चलाई है। नंदकिशोर नवल का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिले के चांदपुरा नामक गाँव में हुआ था। बिहार के इस जिले से भी अब शुरू हो सकती है फ्लाइट। विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों को बिहार में फिलहाल पटना, दरभंगा और गया का रुख करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही बिहार के एक और जिले में विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत ही जल्द ही पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जगी है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब एयरपोर्ट निर्माण को लेकर इस जिले वासियों की उम्मीद जागी है। इससे पहले भी लोगों के मन में इसकी आस जगी थी, लेकिन इस बार लोगों की उम्मीद को पंख इसीलिए भी लगा है क्योंकि इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने खुद ही सारी जानकारी साझा की है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट के आदेश से उड़ान की संभावनाओं के साथ हवाई अड्डे को क्रियाशील करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पूर्णिया डीएम राहुल कुमार का कहना है कि जल्द ही जिला प्रशासन द्वारा सभी 54 रैयतों को नोटिस भेजा जाएगा। कोशिश होगी कि सभी 7 मामलों की सुनवाई कर इसका समाधान कर लिया जाए। बिहार के बाहर इन राज्यों में रहने वाले बिहारियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। बिहार सरकार ने बिहार से बाहर रह रहे मजदूरों के निबंधन का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत ही बिहार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं राज्य सरकार ने भी बिहार से बाहर काम कर रहे 3.48 लाख मजदूरों के निबंधन का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले खबर लिखे जाने तक 2.77 करोड़ का निबंधन पूरा हो गया है। उम्मीद है कि 31 मार्च 2022 के पहले बिहार बाकी बचे लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। इसके साथ ही विभाग देश के 10 बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, सूरत, पुणे, लुधियाना और जयपुर में रहने वाले बिहारी श्रमिकों की सुविधा के लिए अपना कार्यालय खोलेगा। वहीं 10 जिले पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और गया में भी माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। शिक्षक नियोजन को लेकर फिर से सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। बिहार में शिक्षक नियोजन के मुद्दे को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर है। इस बीच बीते दिन एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों ने साफ किया है कि आज ठीक 1 साल का समय हो गया है, अभी तक सरकार हम लोगों का नियोजन नहीं कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ है। इसके बावजूद 2019 में एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी आज धरने पर बैठे हैं। इसके साथ शिक्षकों ने यह भी शिकायत की है कि अभी जो सरकार ने नियोजन की घोषणा की है उसमें मेरिट और नॉन मेरिट को अलग नहीं माना है, इसके कारण और दिक्कतें होंगी।
बिहार उत्तराखंड में सुधरी गंगा नदी की जल गुणवत्ता। गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। आलम कुछ यूं है कि बिहार और उत्तराखंड राज्यों में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार होने की जानकारी सामने आई है। आधिकारिक आंकड़ों की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के गंगा नदी का पानी जैविक ऑक्सीजन मांग में कमी आने के साथ ही यहां इनका पानी नहाने योग्य है। इससे साफ है कि नदी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो आंकड़े मिले हैं उसमें गंगा जल की साल 2015 और 2021 की तुलना की गई है। इसके मुताबिक उत्तराखंड और बिहार बक्सर से भागलपुर तक के हिस्से में गंगा जल में BOD का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर रहा, जो अप्रदूषित की श्रेणी में आता है। घूस लेते हुए पकड़ा गया अंचल कार्यालय का क्लर्क, वीडियो हुआ वायरल। बिहार में इन दिनों सरकार के नाक के नीचे अपनी धौंस दिखाकर अमीर होने वालों की सच्चाई एक के बाद एक खुल रही है, जिसको देखकर ही CM भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। हालांकि हर दिन आ रही खबरों का असर भी घूस लेने वालों पर नहीं पड़ रहा है। यही कारण भी है कि हर दिन के साथ किसी न किसी जिले में ऐसे अधिकारी को दबोचा जा रहा है। ताजा मामले बिहार के सहरसा जिले का है। यहीं पर बीते दिन सौर बाजार अंचल कार्यालय में एक क्लर्क को घूस लेते हुए पकड़ा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। दरअसल सप्ताह के हर शनिवार को थाने में अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष को जनता दरबार आयोजित कर जमीन से जुड़े विवाद को सुलझाने का निर्देश दिया गया है। यहीं पर कर्मी खुलेआम केस की नकल कॉपी करने के लिए 3,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया। बताया जाता है कि ये कर्मी CO कार्यालय में बड़ा बाबू के पद पर तैनात थे और इसका नाम अनिल है। पटना हाईकोर्ट में लगी लोक अदालत। पटना हाईकोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुकदमों की सुनवाई के लिए कुल 7 बेंच गठित किए गए थे। इनमें ही अनिल कुमार सिन्हा, जस्टिस प्रभात कुमार सिंह, जस्टिस पार्थ सारथी, जस्टिस नवनीत कुमार पांडे, जस्टिस पुनेन्द्र सिंह, जस्टिस सत्यव्रत वर्मा और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने अलग अलग बेंच लोक अदालत से जुड़े मामलों की सुनवाई की। आयोजित हुए लोक अदालत में पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक इतिहास में जजों के साथ बेंच में बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ताओं ने भी सुनवाई की। विभिन्न बेंचों की खास बात यह थी कि सभी बेंच में महिला अधिवक्ता साथ बैठकर सुनवाई कर मामलों का निपटारा करते देखी गई। इस बार की गर्मी तोड़ेगी पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। प्रदेश भर में पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। मध्य मार्च आते आते धूप ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। धूप निकलते ही लोगों को गर्मी भी सताने लगी है। मौसम विभाग की माने तो मार्च में ही राजधानी पटना का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। वहीं अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार की गर्मी पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2021 में 31 मार्च को पटना का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में जल स्रोतों की गुणवत्ता का बढ़ेगा जांच का दायरा। गुणवत्ता प्रभावित इलाके में पेयजल की आपूर्ति की सरकार नियमित जांच करेगी। इसको लेकर जिला और अनुमंडल स्थित प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। इस बाबत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री डॉ. रामप्रीत पासवान ने बताया कि विभागीय जांच प्रयोगशाला को नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी से प्रमाण पत्र दिलवाने की कोशिश हो रही है। इस बाबत उन्होंने बताया कि गुणवत्ता प्रभावित इलाके में लौह, आर्सेनिक और फ्लोराइड की जांच सिर्फ नल जल योजना के जल की ही नहीं होगी, बल्कि इन बसावटों में उपलब्ध सभी जल स्रोतों की नियमित जांच होगी। खगड़िया के बावन कोठी तिरपन द्वार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भूल भुलैया के नाम से जाना जाने वाला ये महल गोगरी अनुमंडल स्थित भतखंड गांव में गंगा किनारे राजा बैरम सिंह द्वारा 1633 ईसा में बनवाया गया था। यह ऐतिहासिक महल बावन कोठी तिरपन द्वार नाम से विख्यात है। ये महल मुगल कालीन है। इसकी वास्तुकला आज भी जीवंत है। इस महल के अंदर एक मंडप है जिसके चारों ओर ईंट मारने पर अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। इसके अंदर एक सुरंग भी है। उसी सुरंग द्वारा राजा और रानी पूजा करने के लिए मंदिर आते थे। इस महल 27 तरह के ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसे भूल भुलैया इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई अनजान इसमें घुस गया तो फिर वो जल्दी निकल नहीं पाता। हालांकि ये ऐतिहासिक महल सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण आज तक पर्यटन विभाग के नक्शे पर नहीं आ सका है। बिहार में प्रिंसिपल बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाने में कर रहे हैं आनाकानी। बिहार के गरीब बच्चों को स्कूल में के प्रचारे को स्कूल में ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से ही एतराज है। हैरानी की बात यह है कि इनकी संख्या एक या दो में नहीं बल्कि सैकड़ों में है, जिसका खुलासा राज्य स्तरीय जांच के दौरान हुआ है, जिसके बाद ही अब ऐसे प्रिंसिपल पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विभाग की तरफ से जब राज्य भर में स्कूलों में इसकी स्थिति की समीक्षा की गई तो हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई है, जिसमें ये पता चला है कि राज्य के 21,000 स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील परोसा ही नहीं जा रहा था। आलम कुछ यूं है कि कई जिलों में तो 3 साल पुराना विवाद बच्चों की भूख मिटाने की राह में रोड़ा बन रहा था। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना की बात करें तो 80% से ज्यादा स्कूलों में मिड डे मील नहीं परोसा जा रहा था।
बिहार में लगातार घट रहा गरमा धान की खेती का रकबा। गरमा धान की खेती करने वाले बिहार के किसानों को अब गरमा धान में मोह भंग हो गया है। कारण ये है कि गरमा धान की खेती करने वाले किसान बीते लंबे समय से परेशान है, लेकिन सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। किसानों की बदहाली का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कर्ज में डूबते किसानों को किसी स्तर से कोई सहायता ही नहीं मिली है। यही कारण है कि अब किसान मक्का मखाना समेत अन्य नकदी फसलों की खेती में दिलचस्पी ले रहे हैं। लगातार हो रहे घाटे से किसानों में धान की खेती का क्रेज घटता जा रहा है। अब किसान बस सीमित रकबे पर धान की खेती करते हैं ताकि साल भर चावल खरीदने नहीं पड़े। आपको बता दें कि कटिहार के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गरमा धान की खेती होती थी। होली में कोरोना पर रहेगी सरकार की नजर। सूबे के 25 से अधिक जिलों में रोजाना एक भी मामले अब सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि होली और पिछले साल मार्च में कोरोना के केस प्रदेश भर में मिलने लगे थे, वहीं इस बार भी बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों के अपने राज्य में लौटने की संभावना है। इसको देखते हुए ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम फिर से अलर्ट हो गई है। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत अधिकारियों ने रेलवे, बस स्टेशन, सब्जी मंडी, एयरपोर्ट, मजदूरों के अड्डों आदि जगहों पर कोरोना के सैंपल लेने का निर्देश दिया है, जिसके तहत ही 15 मार्च से फोकस सैंपल लेने का अभियान शुरू होने वाला है और 28 तक जारी रहेगा, जहां पर 50% की आरटीपीसीआर जांच होगी, 50% एंटीजन जांच होगी। अगर कोरोना जैसे लक्षण वाले व्यक्ति की एंटीजन जांच नेगेटिव होती है तो आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य रूप से करवाई जाएगी। बिहार में सड़कों पर ना दिखे ट्रैफिक, पुलिस तो भी ना करे ये गलती। पटना को स्मार्ट बनाने में बिहार सरकार लगी हुई है, जिसके तहत ही अब पटना में बनने वाला एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र निर्माण का काम अंतिम चरण में है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस नियंत्रण कक्ष के जरिए न केवल शहर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, बल्कि अतिक्रमण से लेकर तमाम अनियमितताओं पर नजर रखने का काम होगा। कोई भी व्यक्ति अगर यातायात नियम तोड़ता है तो उसकी तस्वीर के साथ चालान भी घर पहुंच जाएगा। ऐसे में सड़क पर पुलिस नहीं दिखने पर लाल बत्ती पार करना भी महंगा पड़ सकता है। इसकी जानकारी खुद ही जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दी है। बिहार को मोदी सरकार ने दिया बड़ा गिफ्ट। बिहार को मोदी सरकार ने बीते दिन बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत बिहार के गांव का कायापलट करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार पर बड़ी मेहरबानी की। इसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास के लिए बड़ी धनराशि जारी करने की घोषणा की है। इसमें बिहार के गांव की कई समस्याओं को न सिर्फ निराकरण होगा, बल्कि राज्य के गांव में मूलभूत विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं साकार होंगी। व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को 2,221.2 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसमें बिहार को 1,112.7 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 473.9 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 634.6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लालू यादव से मिलने पहुंचे शिवानंद तिवारी। डोरांडा कोषागार मामले में जेल में बंद लालू यादव से राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी और झारखंड के नेता संजय सिंह यादव बीते दिन मिलने पहुंचे, जहां पर इन दोनों नेताओं ने अपने नेता का हाल जाना और जानकार मान रहे हैं कि नेताओं की इस मुलाकात के दौरान बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेल मैनुअल के अनुसार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन शनिवार को तय किया गया था, जिसके बाद ही बिहार और झारखंड के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता अपने नेता से मुलाकात करने के लिए इस दिन का इंतजार भी कर रहे थे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के डोरांडा ट्रेजरी केस में सीबीआई कोर्ट ने 5 साल जेल और 60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। स्वास्थ्य को देखते हुए लालू प्रसाद को रिम्स में पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया है। यूपी में हार के बाद इतने लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी को भले ही यूपी के विधानसभा चुनाव में फजीहत का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने अब लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन मीडिया कर्मियों से बात करने के दौरान कहा कि उनकी पार्टी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 134 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में वीआईपी पार्टी की लॉन्चिंग हो गई है और जल्द ही यहां खंड से लेकर प्रदेश कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। वीआईपी पार्टी झारखंड में रहने वाले निषाद समाज को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। चिराग पासवान ने अगले चुनाव में जदयू के साफ होने का किया दावा। चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव से ही जदयू से जो दूरी बनाई है वो समय के साथ और ज्यादा गहरी ही होती जा रही है, क्योंकि हर दिन चिराग एक के बाद एक ताना सरकार के खिलाफ जरूर मारते हैं। बीते दिन भी जैसे ही मीडिया कर्मियों ने चिराग का ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने सरकार पर खूब भड़ास निकाली, जिसके तहत ही भागलपुर के कजवली चक में
हाल ही में हुए वाक्य पर बोलते हुए चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि बिहार अभी ठीक है या पहले था, क्योंकि इससे पहले जब ये हादसा हुआ था तब केवल 5 लोगों की जान गई थी और इस बार जब ये हादसा हुआ तो 15 लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री प्रदेश के गृह मंत्री भी है, ऐसे में उन्हें इस मामले पर चुप्पी तोड़ना चाहिए। जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बार जनता ने जदयू को तीसरे नंबर पर पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया है। सच्चिदानंद रॉय को एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं देने पर शुरू हुआ बवाल। पिछले 5 महीने से एमएलसी चुनाव की तैयारियों में जुटे सच्चिदानंद रॉय को टिकट नहीं मिलने पर काफी बवाल देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रॉय का टिकट ही भाजपा ने इस बार काट दिया है, जिसके बाद ही उनके समर्थक का गुस्सा साफ दिख रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए सच्चिदानंद रॉय की जगह सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दे दिया गया, जिसके कारण ही समर्थक भी काफी ज्यादा नाराज नजर आए थे। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी साफ किया था कि भाजपा ने जो किया है वो पार्टी के अंदर हो रही गुटबाजी को दर्शाता है। न तो रॉय से पार्टी नेतृत्व ने विचार विमर्श किया और न ही उन्हें पूर्व में कोई जानकारी दी गई, जिसके बाद ही अब खबरें आ रही हैं कि सच्चिदानंद रॉय निर्दलीय मैदान में उतरने वाले हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नए कप्तान का किया ऐलान। आखिरकार आरसीबी के फैंस का इंतजार खत्म हुआ और आरसीबी ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है। आईपीएल के पिछले संस्करण में ही जब विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ी थी, उसके बाद से ही सबकी निगाहें बेंगलुरु की टीम पर बनी हुई थी कि आखिर आरसीबी की कमान कौन संभालेगा। और शनिवार 12 मार्च को फ्रेंचाइजी ने साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फॉफ डु प्लेसी को आरसीबी का कप्तान नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही आरसीबी ने अपनी टीम की नई जर्सी भी लॉन्च कर दी। आरसीबी ने आईपीएल के मेगा ऑक्शन में डु प्लेसी को कुल 7 करोड़ में खरीदा था, जिसके बाद से आरसीबी के कप्तान बनने की लिस्ट में वो भी शामिल थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने 1940 में अंग्रेजों से जालियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर निशाना साधा था। इंडियन मशीनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा द्वारा सन 1997 में नेता के रूप में सिस्टर निर्मला को चुना गया। सार्क साहित्योत्सव 2009 में आगरा में शुरू हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि आत्मारंजन का 1971 में जन्म हुआ। एक युवा राजनेता और संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी का 1980 में जन्म हुआ। 1800 में एक मराठा राजनेता नाना फडणवीस का निधन हुआ। 1996 में हिंदी फिल्मों के अभिनेता शफी इमानदार का निधन हुआ था। सीबीएसई ने 10वीं टर्म 1 का अंक भेजा स्कूलों को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं टर्म 1 के अंक शीट सभी स्कूलों को मेल के जरिए भेजने का काम बीते दिन ही कर दिया है, जिसमें ही परीक्षार्थियों का टर्म 1 में कैसे प्रदर्शन रहा इसकी जानकारी उन्हें दी गई, जहां पर परीक्षार्थियों को टर्म 1 का केवल थ्योरी का अंक दिया गया। इसमें प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट वर्क का प्रदर्शन शामिल नहीं है। बोर्ड की तरफ से वेबसाइट पर इसे जारी नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार से 1154 स्कूलों के लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। इनमें 876 स्कूलों का प्रदर्शन 85 से 95% के अंदर रहा है। अरशद वारसी ने अमिताभ बच्चन को बताया अपना गॉडफादर। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी जल्द ही फिल्म बच्चन पांडे में नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज डेट 18 मार्च रखी गई है और स्टार कास्ट से लेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स तक हर कोई फिल्म के प्रमोशन में जुट गया है। अरशद वारसी ने हाल ही में फिल्म के लिए हो रहे एक प्रमोशन इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन को अपना गॉडफादर बताया है। हालांकि अरशद ने बाद में यह भी कहा है कि उनके गॉडफादर ने उनका हाथ छोड़ दिया है। मालूम हो कि एक्टिंग में डेब्यू करने से पहले अरशद वारसी ने कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और कोरियोग्राफर काम किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है खानसाद, बबीता कुमारी, गौतम कुमार, अनवर करीम, रीशु कुमार रॉयल, विजय घायल, सत्येंद्र कुमार, नुन्नू कुमार, मनीष मोहरा ऑफिशियल, विकास कुमार, राजीव कुमार, नीरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ट्रैफिक नियमों में हुए संशोधन के बाद बिहार में आपके आसपास लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना भूले। धन्यवाद।